नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जिस तरीके से एक एक जगह पे जाना पड़ रहा है, इस जो केस, ये घटना जो घटित हुई है, ये हृदय विदारक घटना थी। आप इसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है। जैसे भी वो घटना घटी है, जो जो पहलू सामने आ रहे हैं, एक एक करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ताकि कुछ समझ में आपके आ जाए। उसी में जो पहली बार, जिस महिला ने पहली बार उस कंकाल को देखा, उस जगह को, ऑन स्पॉट को देखा, वो हमको मिल गई है। मैं उनसे बात कराना आप लोगों को चाहूंगा कि एक्चुअल हुआ क्या था, वो क्या देखी थी और उसके बाद क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति जी, ये आप कौन से अभी ग्राम सभा में हैं? खाजेपुर। खाजेपुर में। तो आपने पहली बार क्या देखा था वहाँ पे? हम भैया पहले तब मोड़ देखा। अच्छा। तब फिर मोड़ देखे के बाद तो हम कहें कि इसका मोड़ है। तो कहें कि देखी, तब इसे ताकि गन्नों में। अच्छा, तो गन्ने में मतलब ज्यादा अंदर था या बाहर था? नहीं, ये असल ये बाहर अपने दूर पर रहा इससे। अच्छा, तो मतलब एक दो मीटर पे। हाँ। वो धान के खेत में मेड़ है। हाँ। वही मेड़े पर से जब इसे ताके हम ना, तो बिलगान हम ना। अच्छा जी। तो हम कही थी बैग हुआ कि कहा हुआ, कपड़ा हुआ, बस फिर वैसे पाछे। तो क्या कुछ था उसके ऊपर, था क्या कुछ ऊपर? हम ना देखे भैया, खाली हरियर हरियर कपड़ा देखे। अच्छा, बैग है हम मेला बैग है। तो हम ऐसे फिर कतरिया आई के बस ऐसे करिया। अच्छा, तब क्यों क्यों कहे लागे? आप खुद बताई सबको? हाँ। किसको बताई? ये दीदी लागा हमारा। अच्छा, ये भी दीदी? आप भी आई है इनकी दीदी जी? आ जाइए आ जाइए, आप भी जो देखी थी। लगाओ भाई, एक कुर्सी लगा दो इनके लिए भी। हाँ। तो आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। आंटी जी आप भी इधर आ जाओ, ये कुर्सी इधर करवा दीजिए। लो कुर्सी, आपको ये आके बता दी। हाँ, हम कहें कि अच्छा ही बताओ कि इतना बड़ा मूड हुआ था कि जानवर हुआ है, तब ये सूती रही ऐसे बैठ के कही था, तब एक दूर टू लजके रही, तो लजके कहीं नहीं कि आओ चली देखे दीदी। हम कहें हम बाबू अब नहीं जाओ, नहीं गए थक गए, अब नहीं जाओ। तो फिर हम नहीं गए, तब देख के आए कहीं, हाँ दीदी पूरे हुए। तो कोई कौन आप लोग गए फिर देख रहे? ये नहीं गई। आपका क्या नाम है? शांति जी। शांति जी, शांति जी, आप वहाँ इनके बताने के बाद नहीं गई देखने? नहीं नहीं। तो आप भी किसी दूसरे को बता देंगे? इनका तबीयत खराब, तबीयत खराब रहा जी, खाली ये बताई कि आता तो मोड़ रहा है, तो कथुआ का मोड़ हुई। तो हम कान हो सकत है बड़ेला को आए या नील गाय के बच्चा उच्चा कोई मोड़ और कथुआ का मोड़ हुई। तो कहीं नहीं, अब तक बड़ा हाथ अंकन देखो, इतना बड़ा अपना बात, उससे बच्चे कौन चीज देते हैं जानवर कोई, बस ये बना कह, बस यही इतना तो लड़के अपन कहीं चली दिए कि आई लड़के गए वहाँ देखने। हाँ, लड़के कहीं ना तू इतनी सब ज्ञान गई। तब कहीं हाँ दीदी पूरे पहन हुआ टी शर्ट हुआ है घर आकर, टी शर्ट भी देखी थी वो बंदी रहा और लुआबर रहा वृद्ध आदमी को। हाँ, का हुए तो वह गई कहीं सही लहा है। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं राम सूरज चौधरी। राम सूरज जी, हाँ, ग्राम। आप इनके क्या लग रहे हैं? हम उनके जो है पति लग रहे हैं। अच्छा ठीक, मेरी धर्म पत्नी है। आपकी धर्म पत्नी जी? जी, क्या हुआ आपको आके बताएंगे? आप सुनो, तब हम आए बताई नहीं, हम आए तो गए थे, पंचमी था। अच्छा, तो थोड़ा जो तेल नहीं, कोल्हू में जो तेल निकालते हैं मशीन से, ठीक ठीक है, तो ये कहीं की जो है तेल नहीं है, तो ले जा करके जो है यज्ञ लेके आई है, फिर पिराई करवाई, पिराई करवाए और लेके आए। तो उस दिन बड़ी गर्मी थी। अच्छा, तो तुरंत हम ऐसे जैसे मैंने बुशर्ट पहरे हैं इसे, ऐसे तुरंत बाग में पहुँच गए। तो देखी भाई जो है कि वहाँ बात हुआ था, बात हुआ था। तो, कहे लागे कि तो हमसे ये कहे लगी है इसे बात? तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो है के देखो तो सब राम और हमारी लड़की रही, मेरी भतीजी लगती है वो, मरे और ये उधर की औरत
सब लोग कहीं कि भैया ऐसा ही है बात है, तो हमने कहा कि जब उनके खेत में है तो उनको हम सूचित कर दें, मैंने हम अपना तो हम उनको फोन किए कि भैया ओ देखो यार ये औरतें बता रही हैं अच्छा कि जो है वही कुछ लाश टाइप का दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी चौधरी साहब ऐसा कुछ लगा यहाँ पे, जैसे इसी ग्राम सभा की बात थी ये, तो इससे पहले भी लगा जैसे बता रहे हैं यहाँ के लोग कि जैसे वो लड़का 10-11 तारीख को वहाँ से अपने घर से निकला था फिर वापस नहीं गया, और पता चला कि यहाँ कोई लड़की आई हुई थी आप ही के ग्राम सभा में थी। भैया एक ही हमको जान पाए क्योंकि जो है एक ही स्वर में बोल रही है, ऐसा किसी ने बता दिया क्या? नहीं सुनिए बात, हम देखिए सही बात हो गया, रात को भी पता चला कि पूरा हल्ला हुआ, हल्ला भले हुआ लेकिन ना हम लोग हल्ला सुने और ना इतना जो है, मैं अपनी बात पर्सनल करता कहता हूँ कि हम इतना इंटरफेयर जो है कि कहाँ क्या हो रहा है, जब से रिटायर होके आए तब से शांति से जीना चाहते हैं। किस विभाग में थे आप? हम जो है कृषि विभाग में थे, हाँ प्रक्षेत्र अधीक्षक बाणगंगा यही है आपके पास सौरभगढ़ में, वहीं रिटायर हुए हैं हाँ, तो जानते हैं जो बहुत खराब है, तो इसलिए हम जो है दुनिया पचरे में नहीं पड़ते, ये तो देख के आई जब हाँ, तो हमने कहा कि हम उनको फोन कर दें भाई जिसका खेत है उनको फोन कर दें। क्या नाम है उनका? कन्हैया हाँ कन्हैया प्रसाद, तो उनको फोन किए, इतने मैंने कहा भैया देख लो क्या है यार हाँ। इसके बाद वो देखे गए टिकाऊ कीन हाँ, हाँ, काम था जो हमने काम था, बल्कि जो है पुलिस वाले आए तो कहीं ना आपने फोन क्यों नहीं किया, हम कहूँ भाई मेरा भी अभी क्वेश्चन था कि हाँ हाँ, तो सुनिए उसका क्वेश्चन ये था कि जैसे आपके घर में लाश है, आप मेरे सगे संबंधी भाई पटीदार हैं, पड़ोसी हैं हाँ, और हम जो है फोन कर दें और आपने आप कह दीजिए कि जो है भैया क्यों आपने तो हमको फंसा दिया अच्छा हाँ, इसलिए हम कहे जिसके खेत में है, अगर मेरे खेत में होता तो मैं अच्छा, तो आपको ये पता है कि एक्चुअल किसने फोन किया थाने पे? नहीं भैया हमको नहीं पता, ये भी नहीं पता ना, ये पता है बताना नहीं चाह रहे ना ना ना, अरे पता क्या हमको, गंगा जल ले आइए, नहीं हिंदू है गंगा जल ले आइए और उठा ले कि जो है कौन थाने पर फोन किया कौन नहीं किया पता ही नहीं है। ना, झूठ तो कभी मैं बोलता नहीं। अभी आपको मिलवा दिया, दिखा भी दिया, यहाँ पे जो सर्वप्रथम जिसने उस कंकाल को देखा था उससे आपको रूबरू करवा दिया, उनके जो पतिदेव हैं उनसे भी आपको मैंने बात करवाया, जो भी चीजें ये लोग जानते थे वो आपको जितनी अच्छी तरीके से बता सकते थे बताए, आप भी इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और रियलाइज कीजिएगा कि जितनी भी ये वीडियो सीरियल बाय सीरियल बन रही है, एक एक वीडियो ना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि कम से कम उस लड़के को न्याय मिल सके, और कहीं ना कहीं जो ये धारणा है समाज में कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता, आप उसका घर देख लीजिएगा लड़कों का, जिस लड़के के साथ ये दुर्घटना हुई है वाकई में वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे तबके का व्यक्ति था, बहुत ही छोटा लड़का था, इतना उसके पास पहुंच नहीं है कि वो कहीं पे अपना किराया भाड़ा खुद खर्चा करके जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने इतना पावर इतना दम लगाया कि उस लड़के को कहीं ना कहीं न्याय मिलना ही चाहिए, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको सजा होनी ही चाहिए। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।